करीब 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप और तमाम सीएनजी पंप जो है बंद हैं और इससे लोगों के लिए परेशानी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और सुबह यानी कल सुबह 5 बजे तक ये बंद रहेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि जो एम्बुलेंसेस हैं उनको पेट्रोल दिया जा रहा है। सिंघानिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पेट्रोल पंप दिल्ली पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए सर कि क्या आप लोगों की मांगे हैं और कब तक पेट्रोल पंप बंद रखेंगे? देखिए जो प्रोटेस्ट क्लोजर है आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 23 तारीख 5 बजे तक रहेगा। हमारी मांगे यही हैं कि आज हम पड़ोसी राज्यों हरियाणा उत्तर प्रदेश से हम पेट्रोल और डीजल महंगा बेच रहे हैं जिसकी वजह से दिल्लीवासियों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्लीवासी पड़ोसी राज्यों में जाके सस्ता तेल खरीद रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार कितना वैट ले रही है इस समय आपको दिखाते हैं, ये वो आंकड़ा है जिसपे दिल्ली सरकार कितना वैट। देखिए दिल्ली सरकार 1 जुलाई 2015 तक 20% पेट्रोल पे वैट लगाती थी जो आज 27% है। अगर रुपए पर लीटर में बात करें तो पहले ये 11 रुपए 11 पैसे पर लीटर वैट इनको मिलता था जो आज 17 रुपए 31 पैसे मिलता है जो कि डीजल 20 पैसे का इजाफा है। जी डीजल में जो पहले वैट की बात आ रही है तो एक तरफ लोगों की परेशानी, दूसरी तरफ ऑपरेटर्स जो है वो भी अपनी परेशानी लेकर सड़क पर उतर गए हैं और उन्होंने हड़ताल कर